एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित मांडली समसपुर गांव पड़ा। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गुलशन हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 1400 मीटर सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 307 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17 आवास का निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 145 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 97 आवास, पानी निकासी के लिए 1000 मीटर नाला, पंचायत घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि के किस न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं प्रधानपति ग्राम मांडली समसपुर जी, महफूज हुसैन मेरा नाम है जी। राज्य वित्त ये 14वें वित्त जी, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा हमारी ग्राम पंचायत को मिला है हमने उसका पूर्ण रूप से विकास कराया है और नाली खरंजे और नाले निर्माण, सीसी टाइल्स, हैंडपम्प भी नए लगवाए हैं, रिबोर कराए हैं और सूर्य लाइट लगवाई हैं, सूर्य ऊर्जा लाइट लगवाई हैं, शौचालय बनवाए हैं, मॉडल शौचालय बनवाए हैं और हमारे गांव में एक अस्पताल का निर्माण अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा जी कि हमारे गांव के अस्पताल को पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाए जी, उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए जी। और एक सड़क हमारी ग्राम पंचायत से फतेहपुर को जुड़ती है जी, फतेहपुर देव को जी, वो सड़क भी अधूरी है जी। वो सड़क बन चुकी थी लेकिन आधी पे डामर है, अभी आधी पे डामर नहीं है जी, वो सड़क भी अधूरी है। एक सड़क की आवश्यकता हमें ग्राम मांडली से हमारे मजरा मुंडे वाली मिलक को, कोई रास्ता नहीं है जी। अगर हमारी एक ही ग्राम पंचायत है लेकिन हम इलेक्शन में वोट मांगने भी जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं जी, तो हमें दूसरे गाँव देपा और गैलवा घूम के आना पड़ता है जी, जी। कोई भी रोड वहाँ को नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत को जोड़ने का कष्ट करें, इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराएं। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत को मिशन अंत्योदय में लेकर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे गांव में जो विकास कर रही है सब अधूरे पड़े हैं, हम समझते हैं कि पूर्ण रूप से पूरे हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का हमारी ग्राम पंचायत पे बहुत बहुत एहसान है। मैं मोहम्मद इमरान, ग्राम मांडली समस्तपुर का एक नागरिक हूँ। ग्राम प्रधान गुलशन ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा कार्य करवा रही है। रंग सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मांडली समस्तपुर। मांडली समस्तपुर पुराने शौचालय हमारे विद्यालय के जो जर्जर हो चुके हैं और नए शौचालय बन चुके हैं और यहाँ पर भराव की काफ़ी आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करता हूँ कि वो हमारे स्कूल में भराव के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की कृपा करें। और हमारे प्रधान जी ने ये शौचालय तो बनवा दिए हैं और नल भी सही कराया है, कोष में है नहीं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर अपील करता हूँ कि हमारे विद्यालय को पैसा उपलब्ध कराने की कृपा करें।